अगर लॉन्ग जंप में आप जल्दीबाजी करते हो तो चोट लगने के चांस ज्यादा होते हैं। मैं नहीं चाहता कि एक भी बच्चे की चोट लगे, क्योंकि हर आदमी अपने घर से अकेला आया है। कोई दो भी है क्या सब इंस्पेक्टर? दो नहीं है ना, सारे एक एक आए हैं, सबको सब इंस्पेक्टर बनना है। और मैं चाहता हूं कि आप वो सितारे देखना शुरू करें। आदमी को सबसे बड़ा सपना देखना चाहिए, और जब तक आपको लगातार वो दो स्टार लगे हुए और आप थाने के बीच में बैठे हुए अपने आप को नहीं महसूस करोगे, तब तक जोश आएगा ही नहीं। ये सोचना है कि मैं दो स्टार लगा रखी है, मैंने वर्दी पहन रखी है और थाने के बीच में बैठा हूं, अब देखिए सोचिए कैसा लग रहा है। आ रहा है जोश थोड़ा थोड़ा, वो चीज लास्ट तक रखनी है। एक एक स्टेप नहीं चलना हमें। ये नहीं है कि वैसे फिजिकल पास कर लिया फिर रोके सो गए, उसके बाद पता चला कि सर मेरे मेरिट में आऊंगा नहीं आऊंगा, मेरा इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिजिकल में जिस बच्चे के 100 नंबर है और जिसने रिटर्न पास किया है वो 100% इंटरव्यू में जाएगा, 100%, क्योंकि 50% से ज्यादा बच्चों ने तो आस ही छोड़ दी जब से ये पता चला है कि 7 दिन बाद फिजिकल हो सकता है। उसके बाद 50% बच्चे ऐसे है, 50% भीड़ आदि हो गई अपने आप ही, उन्होंने आस छोड़ दी। मैं तो आ रहे, मेरे पास रोज कॉल आ रहे हैं, रोज फोन आ रहे हैं पूरे राजस्थान से कि सर मैं आ रहे तैयारी कर रहा हूँ, वेट ज्यादा है, अब 7 दिन में हो सकता है क्या? आज छोड़ दी, नहीं हो सकता। तो आधे से ज्यादा बच्चों ने आज छोड़ दी, अब कंपटीशन आधा हो गया। अब आधे में हमें क्या करना है? आधे में से 50 से 100 के बीच में आएंगे नंबर। आधे में से भी कितने बच्चे ऐसे होंगे जो 50 भी नहीं ले पाएंगे, और जिसके 49 नंबर आएंगे उसका क्या होगा? फेल है, वो बाहर हो गया कंपटीशन से। अब 50 से ऊपर में कोई 60 आएगा, कोई 70 आएगा, कोई 80 आएगा, लेकिन जिस बच्चे के पूरे 100 मार्क्स आएंगे वो फाइनल इंटरव्यू में जाएगा, ये निश्चित है। अब हम क्या करेंगे यहां, जैसा मैं कल 3 दिन से लगातार बता रहा हूं, 3 दिन से हम लगातार ये चीज आपको समझा रहे हैं कि फिजिकल में 100 नंबर 7 दिन में आराम से आ सकते हैं। ये मेरा कॉन्फिडेंस है, मेरा विश्वास है ये, क्योंकि इस जगह हमें 9 साल हो गई काम करते हुए। आप जैसे पता नहीं कितने बच्चे चले गए, और आप तो सारे ग्रेजुएट बच्चे हैं, और ग्रेजुएट बच्चे में क्या होता है, समझ होती है थोड़ी सी, कुछ चीजें उसको समझ में आती हैं। अगर यही बात अगर मैं 10th या 12th वाले किसी बच्चे को बताऊं तो उसको कम समझ में आता है, उसको ये लगेगा कि जादू थोड़ी होने वाला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी देखिए हम लॉन्ग जंप के लिए बात करेंगे, आज का जो इवेंट है इसमें हम लॉन्ग जंप के बारे में पूरी 3-4 चीजें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जब आप लॉन्ग जंप स्टार्ट करोगे, जिस किनारे से आपको लॉन्ग जंप के लिए खड़ा होना है वो आपको खड़े होते ही 3-4 बार ऊपर जंप करना है, जंप करना है धीरे धीरे, अपने आप को तैयार करना है, रेडी करना है, कुछ सेकंड का आपको वहां टाइम बिताना है। ऐसे नहीं है कि वहां से गो बोल दिया और आपने दौड़ना शुरू कर दिया, ये नहीं करना। एक बार आपको ये चीज दिमाग में बिठानी है कि मैं लॉन्ग जंप कर रहा हूं, और ये किसके लिए कर रहा हूं? 2 स्टार के लिए। मेरा लॉन्ग जंप किसके लिए होगा? 2 स्टार के लिए होगा, जिसमें मैंने वर्दी पहन रखी है और 2 स्टार मेरे कंधे पे हैं। वो चीज आपको वहां खड़े खड़े फील करना है। तो लॉन्ग जंप शुरू करने से पहले 3-4 हल्के जंप आपको लेने हैं, और माइंड में ये बिठाना है कि मैं लॉन्ग जंप पास कर गया। जो 15 फीट का लॉन्ग जंप आपके लिए है या जो 10 फीट का लॉन्ग जंप गर्ल्स के लिए है वो मैंने पार कर लिया, ये चीज वहां खड़े खड़े हल्के जंप में फील करना है। जैसे ही आपके दिमाग में वो फीलिंग आ जाती है फिर वहां से रनिंग करना शुरू करना। इसके बाद वहां से जब आप आएंगे तो 3 या 4 कदम आपको सिर्फ स्पीड रखना है, बाकी पहले वाले कदम आप नॉर्मल रखिए, नहीं तो लाइन फाउल हो सकती है। कम टाइम की बात बता रहा हूं, ये लंबे टाइम में तो हम प्रैक्टिस कराते हैं जिसमें लाइन कभी फाउल नहीं होती, लेकिन अब जब हमारे पास कम टाइम है तो उस समय हमें क्या करना है, पीछे ज्यादा ताकत नहीं लगानी है। नजदीक जब आएंगे 3-4 कदम जब रहेंगे तब हमें पूरी ताकत लगानी है, उससे पहले नॉर्मल स्पीड में आएंगे, समझ गए चीज। यहां जैसे ही आएंगे 3-4 कदम जो आप फास्ट चलने वाले हैं उसके अंदर आपको लाइन के साथ साथ अपना टारगेट देखना है। वहां क्या होगा, चूने की लाइनें लगी हुई होंगी आपके लिए, 12 फुट से शुरू कर देंगे, 12 फुट 13 14 15 16, ये 4-5 लाइनें लगा देंगे। आपको ध्यान किस लाइन पे रखना है कूदते समय, कौन सी लाइन पे? 15 से वो आगे वाली लाइन ही देखनी है, उससे नीचे वाली लाइनों को नजर में नहीं रखना है, वो हमारा टारगेट ही नहीं है, वहां तक हमें पहुंचना ही नहीं है, तो वहां नजर रखनी है सीधी, नीचे नहीं देखना है, फाउल वाली लाइन को नहीं देखना है, इसको सिर्फ हल्का सा नजर रखना है कि इस लाइन से मुझे जंप करना है और वो लाइन मुझे क्रॉस करनी है। जब आदमी के सामने कोई टारगेट होता है तो वो थोड़ी सी ज्यादा ताकत भी लगा सकता है, जैसे 2 स्टार नजदीक आ रहे हैं तो ताकत ज्यादा आ रही है ना धीरे धीरे। अगर ये हमारे पास 2-3 महीने का टाइम होता तो आलस रहता, कहीं तो आते ही नहीं, कहीं सुबह उठते। संडे को जब मैंने आपको देखा है ग्राउंड में तो मुझे अच्छा लगा कि इन बच्चों में वो ताकत है, ये कर सकते हैं आराम से, इनमें वो जोश है, और वो भी दोनों टाइम। इसके बाद कूदते समय जब आप जंप लेंगे तो थोड़ा सा ऊपर से जंप करना है,
जमीन से थोड़ा सा आपको उठना है वो बताएंगे हम आपको, बीच में ऑब्स्टिकल लगा के भी कराएंगे कि आप थोड़ा सा ऊपर कैसे उठ सकते हैं, और जो ताकत जो होगी वो जंप के बाद आएगी। जैसे आपका जंप पैर पड़ेगा, लेफ्ट या राइट के लिए बताता हूँ पैर कौन सा पड़ता है ये भी बताता हूँ अभी, उसके बाद में आपको हवा में ज्यादा ताकत लगानी है, और टिकते समय जब आप लैंड करेंगे लाइन के ऊपर तो पीछे नहीं गिरना है। अगर आप पीछे गिर गए लैंड होने के बाद, तो जहां आपका हाथ या शरीर का कोई भी पार्ट पीछे टिकेगा वो क्या होगा, आपकी लाइन मानी जाएगी। तो जैसे ही जहां आप टिकते हैं उससे आगे गिर सकते हैं आप, आगे आप गिर जाइए, पूरा मुंह टिका दीजिए, पूरी बॉडी आज आगे फैला दीजिए, घुटने टिका दीजिए, आप कैसे भी गिर जाइए आगे, लेकिन लाइन से वापस पीछे कुछ भी नहीं टिकना चाहिए, ये चीज विशेष है ध्यान रखिए। अब जो मैं बता रहा था लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर आप जैसे ही आपका पैर जब पड़ता है तो लेफ्ट या राइट सारे बच्चों का एक पैर नहीं होता है कभी भी, किसी की बात मानने की जरूरत नहीं है। कोई कहते हैं लेफ्ट साइड से अच्छा जंप आता है, कोई कहता है राइट पैर से अच्छा जंप आता है, हर आदमी में अलग अलग योग्यता है, अलग अलग आदमी का पैर मजबूत होता है। तो आप अपना पैर पहचान लीजिए एक बार कि मेरा लेफ्ट आता है या राइट आता है, और जिससे आपका जिस पैर से आपका अच्छा जंप आता है हर बार उसी से प्रैक्टिस करिए, हर बार। ऐसे नहीं कभी लेफ्ट से आगे कभी राइट से आगे, उल्टे पैर से जंप मत लेना, नहीं तो कभी नहीं कर पाओगे आप, चोट भी लग सकती है उससे। तो पहले अपना अपना पैर पहचान लीजिए कि मेरा लेफ्ट से अच्छा आता है या राइट से अच्छा आता है, तो जिस पैर से आपका जंप अच्छा आ रहा है उसी से आपको जंप लेना है। समझ में आ गया? अब इसके बाद एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार लाइन ये डली हुई है, लाइन लगी हुई है, और लाइन के ऊपर अगर आपने थोड़ा सा भी लाइन को टच कर दिया, अगर आपने थोड़ा सा भी बाल जितना भी टच हो गया लाइन, तो वो फाउल माना जाएगा, चाहे आपने कितना अच्छा जंप किया है। तो फाउल का विशेष ध्यान रखिए। अब इसमें भी क्या है कि कई बार हमें लगता है कि हमारा पैर एक फिट पीछे आ रहा है, लाइन रहेगी आगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बॉडी में बहुत ताकत है। अगर आप एक फुट पीछे से भी जंप मार देते हो तो भी आप लाइन क्रॉस कर सकते हो, अगर कॉन्फिडेंस है तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैंने आधे फिट पीछे से जंप ले लिया सर, नहीं तो मैं लाइन पार कर देता, या मेरा सर जंप एक फिट पीछे आ गया, कोई नहीं फर्क पड़ता है। एक फिट तक कवर करने की ताकत बॉडी में उसी क्षण आ जाती है, एक क्षण के अंदर, एक मोमेंट के अंदर हम एक फुट तक एक्स्ट्रा कवर कर सकते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, जहां भी आपका पैर आ गया एक फुट के अंदर तो पीछे रखने की कोशिश करिए, पूरा लाइन को। ऐसे नहीं कि लाइन के एकदम टच करेंगे तो हम ज्यादा आगे जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। और थोड़ा सा पीछे और चले जाओ। अब देख लो ये यही रुक रहे हैं, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, जिसको जंप का पता है उसको ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। और जब तक हमें कोई काम आता नहीं है तब तक मुश्किल लगता है इनके लिए, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में हो गया, आदमी जब करेगा तो हो सकता है आराम से। आ रहे हो पहले? ओके, सामने सामने देखना है, सामने देखना है, बहुत बढ़िया, गुड। हाथ ऐसे रखो, सामने रखो, एक्सरसाइज है ये भी, शाबाश। नेक्स्ट, शाबाश। ये देख, कर दिया ना फाउल, ये नहीं करना है। अब यहां मिट्टी थोड़ी सी गीली, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड। शाबाश, हो गया ना लाइन टच फाउल, शाबाश, गुड। बस स्टॉप, अभी देख लिया आपने, एक तो जैसा मैंने बताया था वहां से खड़े रह के एक दो बार अपने आपको हल्का जंप करना है, एक दो बार क्या करना है, हल्का हल्का जंप करना है। तो ये था आपका लॉन्ग जंप, अभी इसके बाद में एक दिन आपको बीम के लिए बताएंगे।